बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स सी जी, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले जिक्र किया, इससे पहले हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, उसके बाद बच्चों के ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में, जो नर्वस हैबिट्स हो जाती हैं उसके बारे में बात की, और अभी जो अनदर कैटेगरी विच इज द राइटर इज गोइंग टू डिस्कस, दैट इज मिस्टेकन एम्बिशंस। मिस्टेकन एम्बिशन भी हो गया, और अब आ गया जी फाइनेंशियल प्रेशर, यानी फाइनेंशियल प्रेशर किस तरह से फेलियर का कॉज करता है और उसकी वजह से बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। नाउडेज व्हेन मोस्ट एम्बिशियस बॉयज वांट टू गो टू कॉलेज, आजकल जब बहुत ज्यादा मोस्ट एम्बिशियस, बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद, डिजायरस एस्पिरेंट वॉन्ट टू गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना चाहते हैं, द फाइनेंशियल प्रेशर इज वेरी सीरियस। तो उसके लिए जो माली जो दबाव है बहुत सीरियस है। कैसे? अ फ्यू पेरेंट्स टेक पोजिशन दैट बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर गुड ऑफ हिज सोल। कुछ पेरेंट्स ये समझते हैं, टेक का मतलब उपायन या क्या होगा, कंसीडर, ये पोजीशन लेते हैं या ये स्टांस लेते हैं, ये इरादा रखते हैं कि बच्चों को अर्न देयर वे थ्रू द कॉलेज फॉर गुड ऑफ ए सोल, कि उसे कॉलेज में क्या होगा, अपने लिए क्या करना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए। कि नहीं, कुछ वालदेन ये समझते हैं कि बच्चे को खुद कमाना चाहिए अपने लिए, तो ये कुछ वालदेन का स्टांस है। तो स्क्रीन विजिबल है। यस सर। तो अब क्या है, दैट दे शुड अर्न देयर वे थ्रू कॉलेज फॉर गुड ऑफ सोल, कि उनको अपने फायदे के लिए क्या करना चाहिए, वो कॉलेज में अपना खुद कमाना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड। हकीकत तो यही है कि नो बॉय ऑट टू बी कंपेल, किसी को भी क्या नहीं होना चाहिए, मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कंपेल का मतलब फोर्स करना, टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज, कॉलेज में कि सारा का सारा, एंटायर का मतलब टोटल, कि सारा का सारा खुद कमाए, इफ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर ये किसी तरह से भी इससे बचा जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, रिफ्रेन किया जा सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे और टू का इस्तेमाल किया, और टू क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे, रीजन क्या है आगे, कि एक मॉरली अच्छी बात है कि किसी बच्चे को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो जब हम मॉरली को अच्छी बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, और टू का इस्तेमाल करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, और टू बी कंपेल्ड, इफ इट कैन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर किस तरह से बचा जा सकता। नॉट ओनली डज ही गेट द माइटी पुअर लिविंग, इसके नतीजे में ना सिर्फ उसकी सेहत मुतासर होती है, बट द माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, बल्कि बहुत ज्यादा पुअर जो है वो एजुकेशन होती है। माइटी मीन ह्यूज, मैसिव, लार्ज नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा, कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कनेक्शन इस्तेमाल किए गए हैं, नॉट ओनली और बट, ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं। अब जरा बताइएगा, क्या ये दोनों पैरेलल हैं या ये मिस्टेक है? मिस्टेक है। क्या होना चाहिए, नॉट ओनली डस, ये आपकी क्या है, जब हम डस शुरू में लगा देते हैं नॉट ओनली डस, तो ये क्या होगा, हमने इनवर्ट सेंटेंस कर दिया, यानी कि उसकी अरेंजमेंट शुरू में कर दी, तो नॉट ओनली डस के बाद सब्जेक्ट आ गया, यानी कि पूरी क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे नॉट ओनली के बट के बाद सिर्फ क्या है, वो नाउन है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, उसको पैरेलल होना चाहिए, नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी
क्या होगा पुअर लिविंग, बट डज क्या होगा गेट या ही गेट अ माइटी पुअर एजुकेशन। तो ये हम पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों को रिलेटिव कोऑर्डिनेट कनेक्शन है और जो पेयर में इस्तेमाल होते हैं, और इसका मकसद होता है क्या करना, इसका मकसद जो है वो पैरेलल चीजों को या इक्वल चीजों को आपस में मिलाना होता है। इफ अ बॉय आज टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर बच्चे ने कॉलेज जाना ही है, ही ought to be trusted, उस पे भरोसा किया जाना चाहिए, बिलीव किया जाना चाहिए, to make good use of reasonable contribution, जो मुनासिब किस्म का हिस्सा डालेगा बाप उसका, reasonable का मतलब considerable, suitable, contribution share from his parents towards his expenses, जो भी उसके अखराजात में वो हिस्सा डालेगा तो उसका क्या होना चाहिए, गुड यूज ऑफ, उसके भी इतबार किया जाना चाहिए बच्चे पे कि उसका अच्छा इस्तेमाल करेगा, सेंसिबल इस्तेमाल करेगा। एनी पेरेंट ओ दिस मच टू हिज सन, कोई भी वालदैन इतनी चीज तो अपने बेटे की जुम्मे होती है उसकी, या उसकी जिम्मेदारी होती है। ओ का मतलब होता है किसकी जिम्मेदारी होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। द बॉय डिडंट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, क्या होगा, लड़के ने उन्हें उसे नहीं कहा था अपने वालदैन को कि मुझे दुनिया में लेके आओ, डिडंट ask him to bring him into the world, usne unhe duniya mein lane ka nahi kaha tha ki mujhe duniya mein leke aao, they are responsible for his being here, wo uske is duniya mein hone ke zimmedar hain, and consequently they are responsible, they have the responsibility, isliye natijatan, consequently kaun sa adverb hai, kaun sa adverb hai, kaun sa relationship ko show karta hai, result ko, ठीक है। तो जब हमने रिजल्ट को इस्तेमाल करना है कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टेंटली, सो क्या होगा एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, अब ये सारे के सारे कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं किसका, रिजल्ट्स का। तो कॉन्सिक्वेंटली दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी होती है फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट, बेहतरीन उसकी जरूरियात, possible to meet the world's problems, जिससे वो दुनिया के क्या होगा मसाइल का सामना कर सके। Nevertheless, however, बहरहाल, ताहम, nevertheless कौन सा conjunctive verb है, किस relationship को show करता है, nevertheless क्या होता है, कैसा relationship show करता है, opposite relationship show करता है, यानी nevertheless, however, opposite के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Many boys are cast entirely on their own resources. बहुत सारे लड़के मुकम्मल तौर पर डाल दिए जाते हैं, entirely, totally, on their own resources, अपने वसाइल पर। For their college expenses, अपने कॉलेज के वो अखराजात के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। And it is always to the detriment of their health. और ये क्या होगा, हमेशा उनके लिए नुकसान होता है, detriment, always to the detriment of their health. ये उनके लिए नुकसानदेह होता है, damaging होता है, detriment जो ना नुकसान, damage, harm. ये एक detriment noun है, detrimental adjective है. जैसे यहाँ पे आपने इससे पहले पढ़ा responsible और responsibility. Responsible adjective है और responsibility noun. अब यहाँ पे they are responsible. जब हमने is am are ये to be verb इस्तेमाल करना है तो फिर रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करेंगे, जब हैज हैव का इस्तेमाल किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका दोनों का डिफरेंट यूज है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है। कास्ट डाल देना भी होता है, कास्ट से मुराद ये कलेक्टिव नाउन है जो किसी फिल्म में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं उनको कलेक्टिवली कास्ट कहते हैं, ये कलेक्टिव नाउन भी है, तो ये कास्ट उसको भी हम कहते हैं। कास्ट का मतलब थ्रो करना भी होता है, पुट करना, जैसे यहाँ पे है। Entirely, मुकम्मल तौर पर, सेहत के लिए नुकसानदेह, फॉर वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन और बोथ, या फिर एजुकेशन या फिर उन दोनों के लिए, सेहत या जो उनकी एजुकेशन या फिर दोनों। अब चूंकि दो चीजें आ गई यहाँ पे, एक हेल्थ है और एक एजुकेशन है,
तो उसकी जगह पे प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया, बोथ का, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि बूथ जो है हमेशा कितनी चीजों को इंडिकेट करता है, दो चीजों को, और वहां पे दो चीजों को जब इंडिकेट कर रहा है तो उसके पीछे जिन नाउन्स को रेफर कर रहा है वो भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, कोई भी लड़का जो है वो अपने अखराजात का कुछ हिस्सा, अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस कमा सकता है विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को तकलीफ दिए बगैर। एंड इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज आर विलिंग, बहुत सारे लड़के इसके लिए राजी होते हैं, आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर, अपने क्या होगा हिस्से से ज्यादा कमाने के लिए राजी होते हैं, इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के बोझ को क्या होगा बांटने के लिए या उससे बचने के लिए। अभी यहाँ पे आर विलिंग है, इज एम आर या वॉज वर्ब, टू बी वर्ब आज, उसके बाद एडजेक्टिव आज विलिंग, तो उसके बाद हमने क्या यूज करना है, इन्फिनिटिव लगाना, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी। नेक्स्ट सी देखिएगा, आप जरा देखिएगा, कुछ वर्ब के बाद हम फिक्स एक्सप्रेशन होता है टू, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, जेरंड लगाते हैं, जरा ठीक कीजिएगा सेंटेंसेस को। कमान, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मीटिंग में, मीटिंग लुक फॉरवर्ड टू हैविंग, हैविंग अ मीटिंग, और नेक्स्ट जी ठीक है जी, डिवोटेड टू हिज ऑब्जेक्टिव, अगर डिवोटेड टू ये तो खैर वो नाउन है, और अगर डिवोटेड के बाद अगर फॉर्म आ जाए तो फिर कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। नेक्स्ट वाला गेटिंग फ्री, गेटिंग होगा एंटाइटल टू, गेटिंग होगा फेयरिंग अदर्स, इंक्लाइन टू, फिक्स एक्सप्रेशन है टू, तो फिर क्या लगाना, फेयरिंग, फेयरिंग अदर्स, हेल्पिंग द पुअर, ऑब्लाइज टू हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। और ये प्रेपोजिशन फ्रेज देखिएगा, जहाँ पे वर्ब जो है वो क्या होगा स्पेसिफिक हो जाता है, इज एक्सेल टू गेट हाई पोजीशन, क्या होगा, गेटिंग हाई पोजीशन, गेटिंग एक्सेल्ड इन गेटिंग होगा, एक्सेल के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, इन का इस्तेमाल होता है, ठीक। उसके बाद है, उसके बाद है absorbed, he was absorbed, in remembering हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद waiting me for, waiting for me होगा, waiting for me, all the Muslims believe in one word, in one word होगा, I agree अगर पर्सन हो तो फिर विद लगाना है, अगर कोई कंडीशन हो तो उसके साथ टू या ऑन भी इस्तेमाल होता है। He is knocking at the door, और ये पार्टिसिपल किस तरह से हम लगाते हैं, She is क्या होगा, क्या होगा, much interested होगा। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो फिर हम मच का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने क्या लगाना हो फोर्थ फॉर्म है तो फिर वेरी लगाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे सरप्राइज्ड है वगैरह वगैरह, उनके साथ हम नहीं लगाते, उनके साथ वेरी लगाते हैं। चलें, उसके बाद यहाँ पे है सवाल है कि फाइनेंशियल प्रेशर कैसे लीड करता है फेलियर का, फोर्स सिर्फ वर्ब पे, फाइनेंशियल प्रेशर बताना है, तो अब सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, फोर्स कौन कर रहा है, सम पेरेंट्स हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट मौजूद है तो इज हमारा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करें जी। अब यहाँ पे क्या होगा, सम पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन, क्या होगा किसके लिए, To do a part-time job,
अपने इख्तिजाज को पूरा करने के लिए. और फिर क्या होता है अफेक्ट विच इफेक्ट विच इफेक्ट देयर हेल्थ एंड स्टडीज अफेक्ट सो देयर हेल्थ यस विच अफेक्ट देयर हेल्थ एंड स्टडीज. बेटा जिनके पीछे आवाजें आ रही होती हैं वो माइक बंद कर ले फिर अपना सर्दी लड़ाई ना दसो मनु जी क्या होगा अफेक्ट देयर हेल्थ क्या होगा इट या विच अफेक्ट्स देयर हेल्थ एंड स्टडी अफेक्ट हो जाएगा. और फिर क्या होगा कौन फाइंड नहीं करता एक्टिविटी दे फाइंड होगा students. पीछे तो the हमने जिक्र कर रहे हैं चिल्ड्रन फाइंड नो टाइम यहाँ पे बॉयज की बात हो रही है या स्टूडेंट्स कम से कम लगा लें स्टूडेंट्स फाइंड नो टाइम फॉर एकेडमिक एक्टिविटीज और एज अ रिजल्ट क्या होता है दे फेल हो जाते हैं जी. अ फ्यू बोथ आइदर ये मुख्तलिफ क्वांटिफायर हैं ये हम जो है इस्तेमाल करते हैं ईच ऑफ के बाद नॉन प्लूरल लगाते हैं आइदर ऑफ के बाद और फ्यू फ्यूर सेवरल बोथ हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं वेरियस लार्ज सेवरल फ्यू ये हम दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं सिंगल के साथ लगाते हैं ईच आइदर और फ्यू. अ फ्यू गर्ल होगा गर्ल्स होगा गर्ल्स गर्ल्स होगा उसके बाद सेवरल फुट होगा फीट होगा फीट होगा बोथ द बॉय या बॉयज बॉयज बॉयज. उसके बाद आई कैन जज दैट वेरियस सिम्टम्स वेरियस सिम्टम्स होगा इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा प्लूरल होगा. और ही विजिटेड बता दें इसके साथ सिंगुलर ये बोथ फ्यू और सेवरल ठीक है डिफरेंट वेरियस लार्ज नंबर ऑफ इनके साथ क्या लगाना है प्लूरल इस्तेमाल करना है और ईच आइदर के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है वो सिंगुलर इस्तेमाल करना है ठीक है. ये आइदर पर्सन एनी पर्सन लेकिन ईच ऑफ हो तो उसके बाद भी नॉन प्लूरल लगाना है ऐसे ईच ऑफ द पर्सन ईच ऑफ क्या होगा बॉयज ईच ऑफ द गर्ल्स आइदर ऑफ द क्या होगा गर्ल्स तो इसके बाद आने वाला नॉन क्या होगा प्लूरल हो जाएगा. लेट्स सी जी आगे पढ़ते हैं हम जी वे पेरेंट्स बट टू सी सच बॉयज बाय डजन बाय द डजन बहुत सारे बच्चे कहते हैं दर्जनों की तादाद में वो जॉब करते हैं लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock in evening, शाम 6 बजे से लेके lasting यहाँ पे as a verb इस्तेमाल कर रहे हैं 6 बजे से लेके evening till 2 in the morning सुबह तक यानी सारी सारी रात काम करते हैं 6 days a week हफ्ते में 6 दिन. To see boy undergoing क्या होगा transfusion of blood पर ऐसे बच्चों को अपना खून देते हुए transfer खून देना donate करना भी देखा गया है टू गेट क्या होगा मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स अपने खून बेच के वो अपनी किताबें और खाना हासिल करते हैं. इट इज हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल ये क्या होगा दिल दहला देने वाला मंजर है या जो ना वो सीन है स्पेक्टिकल सीन हार्ट रेंडिंग मतलब टेरेबल पेनफुल. अब ये स्पेक्टिकल ये वो क्या होगा नाउन में से है जिनके साथ एस लगाने से वो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं. स्पेक्टिकल के साथ नजारे के साथ एस लगाएंगे तो ये एनिक बन जाएगा और इसी तरह से जिस तरह से ग्लास है शीशा होता है एस लगा देंगे तो एनिक बन जाएगा. इसी तरह से वाटर है तो क्या होगा पानी होता है एस लगाने से दरिया बन जाएगा. तो सिमिलरली इन दिस वे इट हैपेंस सो क्या होगा जी मैनी ऑफ आर बॉयज ऑफ फाइनेस्ट कैरेक्टर बहुत सारे बच्चे जो है उम्दा किरदार के हामिल हैं एक्सेलेंट एबिलिटी आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग इस तरह के काम जो है वो करते हैं दिस काइंड ऑफ थिंग एक्सेलेंट एबिलिटी आउटस्टैंडिंग सलाहियत के मालिक भी ऐसा करते हैं. इनएविटेबली सर्टेनली ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अपेरेंट फेलियर जाहरी तौर पे या अपेरेंटली ये फेल होने की एक वजह है अपेरेंट का मतलब जाहरी तौर पे. Most scholars do all they can to do scholarship fund.
बहुत सारे कॉलेज जितना हो सके वो स्कॉलरशिप फंड देते हैं टू एलिविएट करना. एलिविएट का मतलब मिनिमाइज करना. क्या होगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करते. एलिविएट का मतलब मिनिमाइज, मिटिकेट, लेसन करना, कम लाना, शिद्दत में कमी लाने को एक्चुअली एलिविएट कहते हैं. जैसे गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू एलिविएट पॉवर्टी, यहाँ पे वो मिनिमाइज करने के मीनिंग में आता है. बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज डन, हर चीज कर ली जाती है, एवरी डीन हु नोस हिज स्टूडेंट्स वेल, हर तालिब इलम जो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से जानता है, कैन रिकॉल बैनी केसेस ऑफ बॉयज, बहुत सारे बच्चों को याद कर सकता है. रिकॉल का मतलब रिमेम्बर. हु हैव बीन ओब्लाइज्ड टू, जो क्या होते हैं, मजबूर होते हैं. हैव बीन ओब्लाइज्ड टू, अब यहाँ पे देखें, ओब्लाइज्ड टू ड्रॉप आउट, वो निकाल दिए जाते हैं, फेल हो जाते हैं, रेलिगेट हो जाते हैं, लैक ऑफ लिटिल मनी टू सी थ्रू, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते. अब यहाँ पे एक सवाल है कि मैंने पहले डिवोटेड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म का कहा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये कैसे है? याद रखिएगा बच्चों, जब भी पैसिव स्ट्रक्चर हो, जब पैसिव स्ट्रक्चर होता है तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही वॉज फोर्स्ड, तो क्या होगा, टू लीव हिज हाउस. तो जब पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैसिव वर्ब आता है, तो उसके बाद भी हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं. ये अंडरलाइन कर लेना है. जैसे ये हैव बीन ओब्लाइज्ड है, वो किए जाते हैं, तो जब पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं जी. तो इस तरह से क्या होगा, आगे देखिएगा. देर आर, ये तो हमारा एक रीजन होगी, हमारे कौन से बच्चे हैं, वो बच्चे जो क्या करते हैं, जो अपनी फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से फेल होते हैं. तो ये राइटर ने उसकी मिसाल दी. अब अगली टाइप शुरू हो रही है. देर आर द गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स. अंडर ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएशन से नीचे, यानी कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स, बहुत सारे कहते हैं, काफी बड़ी तादाद. गुडली नंबर भी अलार्ज नंबर के इक्विवेलेंट है. जिस तरह से लार्ज नंबर ऑफ होता है, इस तरह से गुडली नंबर ऑफ होता है. Whose heads are turned, जिनके सर फिरे होते हैं, turned का मतलब perverted, and whose judgment is perverted, जिनकी समझ, wisdom, analysis जो है वो उल्ट होता है. Pervert का मतलब होता है उल्ट हो जाना, क्या होगा, invert हो जाना, जिस तरह से हम invert कहते हैं किसी को उल्ट कर देना. By the attractiveness of athletic sports, sports की वजह से, and literary या फिर literature की वजह से. अब ये literary नहीं होगा, बल्कि हाँ आगे आ गया है एक्टिविटी. ये लिटरेरी एडजेक्टिव होता है, तो लिटरेरी के साथ नाउन होना चाहिए, लिटरेरी एक्टिविटी. और अदबी सरगर्मी, वो यानी या तो बहुत ज्यादा अदबी सरगर्मियों में, स्पीच, ड्रामा वगैरह में बहुत ज्यादा हिस्सा लेते हैं, और या फिर एथलेटिक स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं. ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव बीन देयर प्लेस. ये सारे के सारी कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, their own place, अपनी मकाम रखते हैं या अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं. But they should receive the support of those students who are interested in them. लेकिन ये students की support भी मिलनी चाहिए, students को participate भी करना चाहिए जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं. Interested in, underline कर दीजिए, interested in. जैसे मैंने अभी कुछ मिसालें दी आपको, वो verb जिनके साथ जो है ना preposition fix आ जाते हैं, तो ये भी उनमें से शामिल है. यहाँ पे हम ऐसे अगर सेंटेंस आ जाए आपको कि ही इज इंटरेस्टेड क्या होगा, टू डू इट, तो ये गलत होगा. ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग इट होगा, क्योंकि इंटरेस्टेड के साथ प्रेपोजिशन स्पेसिफिक है, और वहां पे फिर हम क्या यूज करेंगे, जेरंड इस्तेमाल करेंगे. इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ क्लियर जजमेंट, मेरे तजर्बे के मुताबिक वाजिया तौर पर अपने जजमेंट यानी उनकी समझ को, विजडम को, सेंस को अगर जगाना, एज टू व्हाट कॉलेज इज फॉर, कि कॉलेज का मकसद क्या है, इट इज नॉट डिफिकल्ट एज ऑफन सपोज, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना समझा जाता है, यानी बच्चों को रियलाइज किया जा सकता है. बट अ बॉय इज टू मच इंटरेस्टेड इन दीज गेम, अगर एक बच्चा इतना ज्यादा दिलचस्पी रखता है कि वी ऑट टू गेट हिम आउट ऑफ द मेन टेंट, तो उसको मेन स्ट्रीम से, मेन पार्ट से निकाल देना चाहिए, मेन स्ट्रीम से निकाल देना चाहिए, एंड बिकम प्रोफेशनल. उसको कहे कि वो
प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए। दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक जो प्लेयर जो शौक के लिए खेलते हैं उनको हम अमेट्योर प्लेयर कहते हैं, और एक प्लेयर जो शौक के लिए खेलते हैं उनको हम पैसे के लिए खेलते हैं, वो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं। जो एज अ जॉब या एज अ प्रोफेशन उसको अडॉप्ट करें उसको हम प्रोफेशनल प्लेयर कहते हैं, यानी जिससे पैसे कमाने लग जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, जाहिर है सारे बच्चे तो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन सकते, ज्यादातर बच्चे नहीं होते। एंड इफ रीजंस विद अ बॉयफ्रेंड, अगर किसी दोस्त से ये डिस्कस किया भी जाए, बहस की जाए विद अ फ्रेंड हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज अपॉर्चुनिटी, जो कि जवानी को भी समझता हो और कॉलेज के इस मौके की अहमियत को भी समझता हो, क्या होगा, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्फ टू बी स्वेप्ट ऑफ। वो कभी भी इससे वो नहीं ड्राइव नहीं होगा। स्वेप्ट ऑफ का मतलब साथ चला जाना, स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक, एथलेटिक से क्या हो जाना, वो ड्राइव हो जाना, ड्रिवन हो जाना, यानी उससे मुतासर हो जाना। आई डोंट थिंक दिस इज द वन, क्या होगा, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज एज सीरियस, कहता है ये इतनी ज्यादा सीरियस जनाब बात नहीं है, एज रीजन फॉर फेलियर एज सम ऑफ द क्रिटिक्स आवर कॉलेज, जिस तरह से कॉलेज के कुछ लोग करते हैं फॉर द आउटसाइड एंड एट अ लॉन्ग रेंज, जो दूर बैठे होते हैं। लेट्स सी जी, हम देखते हैं आगे, बी लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कलेक्टिवली सभी को करते हैं। अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट। कुछ लेजी ब्लफर निकम्मे होते हैं, इनका जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, वो कॉलेज में आते हैं और कॉलेज से चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फाउंड एनी इंटरेस्ट, हैव नॉट फाउंड एनी इंटरेस्ट इन लाइफ, बहुत सारे उनमें से जिंदगी में भी मकसद नहीं रखते, एंड सम ऑफ देम नेवर विल हैव विल नेवर, और कुछ का जिंदगी में कभी मकसद बनता ही नहीं है। इट इज यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर, इसलिए अकलमंदी की बात यही है कि उनको छोड़ दिया जाए, टू कूल वर्ल्ड ऑफ रीजन, उनको इस बेरहम मर्सिलेस दुनिया में छोड़ दिया जाए, एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस, ताकि वो जिंदगी को तजर्बे से साबित समझ सकें हाउ मच डिमांड देयर इज फॉर लेजी ब्लफर। कि एक नकम्मे आदमी के लिए जो क्या होगा बैबलर है, जो गप्पे मारता है, जो आइडलर है, जो निकम्मा है, उसके लिए इस बेरहम दुनिया में कितनी जगह है। Sometimes they learn their lesson. बाज दफा वो सबक सीख जाते हैं, and return to do first rate work. और वो क्या होगा पहले दर्जे का, यानी बहुत अच्छा काम करने लग जाते हैं। But the burden of proof, लेकिन असल में उनको ही प्रूफ करना पड़ता है to show that they mean business. कि उनसे मुराद बिजनेस से क्या मुराद है, इसका इस चीज से क्या मुराद है। ये burden of proof जो है, ये बार सबूत हम इसको उर्दू में कहते हैं। जैसे अगर किसी पे केस किया जाए तो वो केस साबित उसने करना होता है कि मैं बेगुनाह हूँ, तो इसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। यानी कि जैसे देयर इज क्या होगा केस ऑन नवाज शरीफ रिगार्डिंग द एसेट्स बियॉन्ड क्या होगा मींस, तो हम कहेंगे कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन क्या होगा नवाज शरीफ जी। बाहर की दुनिया में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो गवर्नमेंट देती है, हमारे मुल्क में बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पे इल्जाम लगाया जाए वो देता है। तो ये दैट इज द डिफरेंस ऑफ क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द होल द प्रॉब्लम द कॉलेज डीन फेसेस, कॉलेज का डीन जो प्रॉब्लम क्या होगा सामना करता है, कॉल्स फॉर अबाउट द सेम डायग्नोस्ट। कॉल फॉर का मतलब अंडरलाइन कीजिए, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, तकाजा करना होता है। जैसे फ्रीडम कॉल्स फॉर ग्रेट सेक्रीफाइस, तो ये क्या होगा तकाजा करना है। अबाउट सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी, कहते हैं उसके अंदर वही सलाहियत होनी चाहिए डायग्नोस्टिक जो इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉबिंग जो फिजिशियंस में होती है। अब यहाँ पे फिजिशियंस लगाया, फिजिशियंस की एबिलिटी मुराद है। तो जब हमारे पास नाउन होता है तो हम अपोस्ट्रोफी एस के साथ उसको कंपेयर कर लेते हैं। हम आगे इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही इज हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम, वो क्या करता है अपने जो नौजवान होते हैं उनकी मदद करता है। हेल्पिंग हिम टू सी, ही इज हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी नहीं होगा, सी लाइफ होगा, क्योंकि हेल्प के बाद हमने क्या यूज करना है, बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है। स्टेडिली एंड सी इट होल, और उसको मुकम्मल तौर पे देखना है। इफ ही कैन सेव बॉयज फ्रॉम फेलियर, अगर वो बच्चों को रोक सकता है बेवकूफी की वजह से, बीमारी की वजह से,
sin की वजह से, गलत काम में पड़ने की वजह से, तो he is doing his part of job, तो वो definitely अपना वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। जी अब जरा आ जाएं जी इसके structures पे और questions पे। सवाल है जी, स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है या स्पोर्ट्स कैसे अहम होते हैं बच्चे के लिए? इम्पोर्टेंट के दरमियान कौन सा पॉजिटिव रिलेशनशिप है? कौन सा रिलेशनशिप बिकॉज का? बिकॉज दे कीप हो गया जी, इसलिए कौन होल्ड रखते हैं रिस्पेक्टेबल प्लेस? स्पोर्ट्समैन हो गया, तो क्या होगा? स्पोर्ट्समैन होल्ड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस हो गया जी। क्या होता है जी? अडॉप्ट नेगेटिव एटीट्यूड। कौन अडॉप्ट करता? सवाल करना है अडॉप्ट पे, कौन अडॉप्ट कर रहा? क्या होगा? कौन अडॉप्ट करता है? सम बॉयज। तो सम बॉयज अडॉप्ट अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, और उसकी वजह से क्या होता है जी? वो क्या होते हैं? They take more interest. They are more interested. They are more interested. Interested हो गया। और क्या होगा? Adjective है interested. Adjective उसके साथ हम in लगा दिया जी। और वो क्या होते हैं? उसके बाद किसको realize करना चाहिए? Students are made to realize. Students are should be made to realize. Passive voice में हम infinitive लगाते हैं, should be made to realize the importance. और क्या करना चाहिए? कौन focus करेगा studies पर? Professional player बन जाएगा। Students या they should either focus on studies or become professional players. Lazy bluffer कौन से होते हैं? वो आते और जाते हैं, क्या होगा? और इसको ट्रीट किया कैसे किया जा सकता है? क्या होगा? एक्सपेल कर रहा है या एक्सपेल हो रहा है? एक्सपेल हो रहा है तो क्या होगा? दे शुड बी एक्सपेल्ड। टू एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं, टू एक्सपीरियंस या सो दैट दे क्या होगा? कैन एक्सपीरियंस। कोल्ड वर्ड होगा। उसके बाद देखिएगा जी, अब जरा देखिएगा, अब जरा वो स्ट्रक्चर जो हमने देखा, पोजेशन हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ये मुख्तलिफ केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं पोजेशन को। ये कुछ केसेस आपके सामने है। हम लगाते हैं पोजेशन जो है वो नाउन के साथ। उसके अलावा हम पोजेशन बनाते हैं क्या होगा? लिविंग थिंग के साथ। उसके बाद जैसे उसके बाद idiomatic phrases में इस्तेमाल करते हैं, जैसे line, share, time के साथ इस्तेमाल करते हैं, six years, और personified noun के साथ, winter's tale, nature's lap. अब nature की गोद नहीं होती तो हमने उसको living वाली qualities दे दी, तो living वाली qualities जब हम देंगे तो क्या होगा? तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? वहां पे अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने बताया था, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो योर शर्ट इज बेटर देन अहमद होगा, अहमद शर्ट होगा या अहमद होगा, तो ये अहमद होगा क्योंकि शर्ट का मुकाबला शर्ट के साथ है, क्योंकि और अहमद शर्ट का मुकाबला अहमद के साथ नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते योर शर्ट इज बेटर देन अहमद, तो फिर इसका मतलब शर्ट का मुकाबला अहमद के साथ होगा, जो कि गलत है, इलॉजिकल है। इसलिए अहमद शर्ट भी नहीं लगाएंगे, बार बार शर्ट भी नहीं लगाते, प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा नाउन हो तो अहमद हो जाएगा। इस तरह माई हाउस इज बेटर देन क्या होगा? योर हाउस, योर्स, योर्स हो जाएगा। क्लाइमेट ऑफ शकरगढ़ इज हॉटर देन
क्लाइमेट ऑफ लाहौर या देन दैट ऑफ लाहौर? होगा द रूम्स ऑफ आवर कॉलेज आर मोर स्पेसियस देन स्कूल्स या स्कूल्स के साथ एस क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि स्कूल नॉन लिविंग है और इसके साथ हमने चार कंडीशन के ऊपर मैंने बताई इसके अलावा हम इस्तेमाल नहीं करते इसका जी उसके बाद हमने देखना है जी डायग्नोस्टिक क्या रोल होता है क्या होगा कॉलेज डीन डायग्नोस्टिक एबिलिटी होती है कॉलेज डीन में और आ कॉलेज डीन लगाना है जनरलाइज रोल दे रहे हैं तो जनरलाइज रोल में क्या लगाना है आ कॉलेज डीन होगा क्या बनेगा कॉलेज डीन डायग्नोस्टिक जी कमान सिर्फ आपने वर्ब बोलना है कोऑर्डिनेट क्या बनेगा तीनों स्टेक होल्डर्स को क्या होगा वो कोऑर्डिनेट करता है टीचर कॉलेज फिजिशियन और स्टूडेंट्स को और फिर क्या करता है उनको होगा वो उसकी जगह और कॉलेज आ कॉलेज डीन होगा क्योंकि जनरलाइज रोल है तो वहां पे हम आ का इस्तेमाल करते हैं ये पैराग्राफ जी आपने करना है ये होमवर्क के तौर पे होगा आपका पैराग्राफ यू हैव टू डू वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट वाज ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क पैराग्राफ को देख लें इफ देयर इज एनी एंबिगुइटी